आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम, गोदावरी हेल्थ केयर एंड हॉलिस्टिक हीलिंग सेंटर यवतमाल की ओर से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेंटर के द्वारा चलाए जाने वाले ऑनलाइन एक्यूप्रेशर एंड कलर थेरेपी कोर्स के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है। मतलब इसे आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं। और ये जो कोर्स है, एक आजीवन सदस्यता के साथ आता है। मतलब आप अगर इस कोर्स को एक बार कर लेते हैं तो ये जो कोर्स है, एक रनिंग कोर्स है। रनिंग कोर्स का मतलब क्या होता है, इसे हम आगे देखेंगे कि ये जो कोर्स है, कभी ख़त्म न होने वाला कोर्स है। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस का जो कोचिंग है, वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, आपका जो एक्सपीरियंस टेकिंग प्रोसेस है, ये आपका कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि इस कोर्स का मॉड्यूल क्या है, इस कोर्स का डिज़ाइन कैसा है, एक्यूप्रेशर का मतलब क्या है, कलर थेरेपी का मतलब क्या है। इस कोर्स को सीख कर आप एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के नॉलेज को अपने जीवन में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किन किन रोगों की चिकित्सा आप ये जो नॉलेज गेन करेंगे उसकी मदद से कर सकते हैं, अपने घर परिवार के लोगों की, आपके आस पड़ोस के लोगों की क्या क्या चिकित्साएँ आप कर सकते हैं, किन किन रोगों की चिकित्सा आप कर सकते हैं, इस कोर्स को सीखने के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप गौर से देखें, एक बार दो बार अच्छे से आप देख लीजिए मुझे कॉल करने से पहले, ताकि कम से कम आप जब मुझे कॉल करें तो इस वीडियो में जो जानकारी मैं दे रहा हूँ उसी को आप रिपीट ना पूछें। उसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर इसे आप एक दो बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपके मन में कुछ डाउट्स ना रहे, या जो चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ, कम से कम वो डाउट्स आप मुझे बार बार ना पूछें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स के मॉड्यूल के बारे में, कि इस कोर्स का मॉड्यूल कैसा है, इस कोर्स का डिज़ाइन कैसा है। दोस्तों, मैं लगभग 2012 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, और कई सारे लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं, कई सारे लोग मुझसे सीखना चाहते हैं। पर मैं कई दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया जाए, ऐसा कोर्स डेवलप किया जाए कि जैसे एक बार आपने इस कोर्स को सीख लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि सर, हमने 2 साल पहले 4 साल पहले एक कोर्स सीखा था, हमने उसका सिलेबस तो सीख लिया, लेकिन उसके बाद हमारी प्रैक्टिस छूट गई, फिर हम उसे रिपीट करना चाहते तो हमें फिर पैसे देने पड़ रहे हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कोर्स कर लिया, फिर उसके बाद जिस सेंटर से उन्होंने कोर्सेज किए, उन सेंटर वालों ने उनके कॉल्स उठाना बंद कर दिए, उन्होंने उनके साथ बात करना बंद कर दिया है, या उनके जहाँ से उन्होंने सीखा है वहाँ उनका कुछ कांटेक्ट नहीं रहा। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना एक ऐसे कोर्स को हम लोग डिज़ाइन करें कि जिसका सिलेबस तो मैं सिखा दूँ, कि भाई चलो 1 महीने 2 महीने का जो भी उसका सिलेबस है, लगभग 2 महीने का इसका सिलेबस होता है, कि सिलेबस का तो कोचिंग हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आप लोग हमारे सेंटर के साथ, मेरे साथ आप जुड़े रहे। क्योंकि ये जो कोर्स है एक्यूप्रेशर एंड कलर थेरेपी, एक थेरेपूटिक कोर्स है, कि हमें नहीं पता कि हमारे सामने कैसे पेशेंट आएंगे। मैं आपको सिलेबस में एक बेसिक बेसिक सारी चीज़ें सिखा दूंगा, लेकिन जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप डाउट में ज़रूर पड़ते हो, आपके मन में ज़रूर कुछ डाउट्स आते हैं, कभी कभी आप अटक जाते हो, और वहाँ पर एक टीचर का आपके साथ होना, जिस सेंटर से आपने सीखा है उस सेंटर का आपके साथ जुड़े रहना, उस सेंटर के साथ आपका जुड़ा रहना, ये ज़रूरी हो जाता है। तो इस कोर्स का जो मॉड्यूल है, इस कोर्स का जो डिज़ाइन है, वो इस तरह से किया गया है कि आपका जो कोचिंग पार्ट है ये लगभग 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप किसी ना किसी एक महीने के बैच में आप ज्वाइन करते हैं। हमारे हर महीने में 1 या 2 बैचेस इसके होते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 बैचेस लेते हैं। जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस ही ऐसा है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की जानकारी इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको दे दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, जिसमें हमारे हर बैच के लेक्चर्स उसमें होते रहते हैं। कुछ हमारी पुरानी बैचेस है, एक बैच आपकी रहेगी जिसमें आप ज्वाइन करोगे, और इन फ्यूचर भी हमारी जो बैचेस है वो चलती रहेगी। हर बैच के जो गूगल मीट या फिर जो जूम मीटिंग के थ्रू हम लोग कोचिंग करते हैं, उसके लिंक्स उसी ग्रुप में शेयर होते रहेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप अपने बैच के अटेंड करते हैं, आने वाले बैचेस के करते हैं, अपने भी करते हैं, आने वाले बैचेस के भी करते हैं, उसके बाद आने वाले बैचेस के भी करते हैं।
मतलब आप जितने चाहे उतने सेशन आप उस ग्रुप में, जितने भी लिंक हम ऐड करते हैं, जितने भी लिंक हम भेजते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेशन आपको अटेंड करना है, आप अपने बैच के भी करिए, बाकी बैचेस के भी करिए। इसके अलावा इसमें हमारे वीकली जो है डाउट सेशंस होते रहते हैं, उन डाउट सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई नया पेशेंट आता है कि आपको लगता है कि इसे कैसे ट्रीटमेंट देनी है, तो आप डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर सभी के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ ग्रुप में, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से इस कोर्स का जो डिज़ाइन है, एक रनिंग कोर्स है, यानी कि आपने थ्योरेटिकल लेवल पे तो सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे जब आपके सामने पेशेंट आते हैं, जब आपके घर परिवार के लोगों को आपने जो नॉलेज लिया उसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको दिक्कत आ रही है कि इसको कैसे अप्लाई करो, कहाँ करो, और फिर आप बिल्कुल ऐसे अंधेरे में जैसे है कि भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ, और फिर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा इस कोर्स का मॉड्यूल नहीं है। इस कोर्स में आप एक बार सीख लीजिए, आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहेंगे और आजीवन आप जुड़े रहेंगे। आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें भी आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे सेंटर के साथ जो है वो उसके ऊपर मेंशन रहता है। तो इस तरह से इस कोर्स का जो है वो मॉड्यूल है। आगे हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर एंड कलर थेरेपी के बारे में, कि एक्यूप्रेशर क्या है और कलर थेरेपी क्या है। एक्यूप्रेशर हो गया, रंग चिकित्सा यानी कलर थेरेपी हो गई, ये जो दोनों थेरेपीज़ है इसे अल्टरनेटिव मेडिसिन बोला जाता है, कि मतलब हमारे जो पेशेंट है जो कभी रोगग्रस्त हो जाते हैं उसके बाद जो दवाइयों का सेवन करते हैं, इसके अलावा बिना दवाइयों के किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए जो चिकित्सा पद्धतियाँ इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम एक विकल्प के रूप में देखते हैं। दवाइयों का विकल्प है, दवाइयों का अल्टरनेटिव है, हार्मफुल चीज़ों का एक अल्टरनेटिव, एक सेफ अल्टरनेटिव जिसे हम लोग कहते हैं, एक सुरक्षित उसका जो विकल्प है, इसलिए इसको वैकल्पिक चिकित्सा बोला जाता है। अब एक्यूप्रेशर में हमें कोई भी किसी को मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ खाने पीने को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, उसके डाइट को हमें मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। कलर थेरेपी में हम जो रंग होते हैं अलग अलग, सात इंद्रधनुष के रंग है, उन रंगों की मदद से हम चिकित्सा करते हैं। और जो एक्यूप्रेशर है उसमें हमारे शरीर में जो बिंदु बने होते हैं, जो हमारे नर्व एंडिंग्स है, उन्हें हम लोग जानते हैं कि किस बिंदु को दबाने से कौन सी नर्व स्टिमुलेट होगी, वो नर्व आगे चल के कौन से हार्मोन उस पेशेंट के शरीर में रिलीज करेगी, और उससे उस पेशेंट को क्या क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो है एक एक्यूप्रेशर का बेस है, जैसे उसके कुछ बिंदु जो है हमारे हाथ के ऊपर होते हैं, कुछ हमारे कानों के ऊपर होते हैं, कुछ हमारे चेहरे पर होते हैं, कुछ हमारे गर्दन पर होते हैं, कुछ हमारे पूरे हाथ के ऊपर होते हैं, कुछ पाँव के ऊपर होते हैं। तो इस तरह के जो ये बिंदु है उनके ऊपर प्रेशर देके, उनको अपने अंगूठे से, या फिर आपके घर में कोई भी पेन है, कोई बच्चे जो यूज़ करते हैं पेंसिल है, तो इसकी मदद से हम दबाव देके, इसकी मदद से हम मसाज करके उन बिंदुओं के ऊपर हम उपचार करते हैं, और उन्हीं बिंदुओं के ऊपर अगर हम लोग कलर को इस्तेमाल करते तो वो कलर थेरेपी हो जाता है। एक्यूप्रेशर के साथ अगर आप कलर थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो रिजल्ट है ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एक बार आपने एक्यूप्रेशर कर दिया तो प्रेशर पॉइंट को आप दिन भर तो दबा के नहीं रख सकते, पर इसके साथ अगर आप कलर को इस्तेमाल करते हैं तो जो कलर का स्टिमुलेशन है उसको दिन भर उसके शरीर में बना रहता है, तो इसके जो रिजल्ट है ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसलिए जो कोर्स है इसमें आपको एक्यूप्रेशर तो सिखाया जाएगा, प्लस आपको कलर थेरेपी भी सिखाई जाएगी कि कौन से डिसीज में कौन से कलर को किस बिंदु के ऊपर कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे और ये आप आजीवन सीखते रहेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस कोर्स को सीख कर आप कौन कौन से रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि सभी के मन में ये डाउट होता है, तो हम सीख तो लेंगे लेकिन इसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे, किन रोगों की चिकित्सा हम कर सकेंगे। तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्यूप्रेशर है, ये जो कलर थेरेपी है, ये हर डिसीज़ के हर मेडिसिन का एक विकल्प है, उसका एक अल्टरनेटिव है, यानी इसमें ऐसा कोई डिसीज़ नहीं है जिसकी आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल से आपके सर्दी खांसी बुखार से लेके तो कैंसर जैसे एकदम जो क्रॉनिक डिसीजेज जिसे हम कहते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज है, इवन स्ट्रोक्स है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हिमोरेज है, पैरालिसिस है, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, इमरजेंसी सिचुएशंस है, इसमें भी आप
एक्यूप्रेशर एंड कलर थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसे प्रॉपरली सीखें, इसका आप एक्सपीरियंस गेन करें, आप इसके जो प्रैक्टिकल सेशन है अच्छे से अटेंड करें, तो हर डिसीज़ का आप इलाज इसमें कर सकते हैं। मैं अगर लिस्ट बताऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो आप पकड़ लीजिए कि हर डिसीज़ के हर मेडिसिन का जो अल्टरनेटिव है वो कलर थेरेपी एंड एक्यूप्रेशर है, इंक्लूडिंग आपके इमरजेंसी मैनेजमेंट हो गए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो गए, क्रॉनिक डिसीजेस हो गए, एक्यूट डिसीजेस हो गए, हर डिसीज़ के लिए इस कोर्स को सीख कर आप एक्यूप्रेशर एंड कलर थेरेपी को इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि इस कोर्स को सीखने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन इस कोर्स को सीख सकता है। तो मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदी पढ़ सकता है और देख सकता है, जिसको दो हाथ है दो आंखें हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति इस कोर्स को सीख सकता है। इस कोर्स का डिज़ाइन इस तरह से कि बच्चों से लेके कोई भी ओल्ड एज का पर्सन, सिर्फ ज़रूरी है कि आप देख सकें, क्योंकि जब मैं गूगल मीटिंग लूँगा या जूम मीटिंग लूँगा तो आप मुझे देख सकेंगे अच्छे से। दूसरी बात कि आप हिंदी को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स के जो मटेरियल है वो हिंदी में ही रहेगा और ग्रुप में हमेशा शेयर होता रहेगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और आप अपने हाथों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे सीख सकता है। इसे सीख कर इसका इस्तेमाल अपने जीवन में, अपने घर परिवार के लोगों के लिए, खुद के लिए कर सकता है। इस कोर्स को सीखने के लिए जो मटेरियल है आपके घर में अवेलेबल हो जाएगा, इसीलिए हम कोई भी मटेरियल आपको कुरियर से नहीं भेजते हैं। इस कोर्स के जो हमारे प्रैक्टिकल सेशन होंगे उसके दौरान आपको जिस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो मटेरियल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मटेरियल आपके घर में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गई, तो ये जो मटेरियल है, इस तरह के मटेरियल आपको प्रैक्टिकल सेशन जो हमारे होंगे जूम मीटिंग के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर, जो हमारे प्रैक्टिकल सेशन होंगे उस दौरान आपको अपने मटेरियल्स को लेके बैठना है। तो ऐसा पेन हो गया, पेंसिल हो गई, फिर कलर थेरेपी के लिए आप ऐसे कुछ मार्कर्स को यूज़ कर सकते हैं, मार्कर को यूज़ करिए, या फिर जो ऐसे स्केच पेन से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये सिंपल सा आपको मटेरियल लगेगा, पेन, पेंसिल, कुछ मार्कर है या फिर कोई स्केच पेन है, तो ऐसे कुछ भी चीज़ों का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस कलर थेरेपी के लिए आप आपके घर में जो अनाज होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूंग है, बरबटी है, चना है, सोयाबीन है, इस तरह के जो अनाज है उसको भी हम यूज़ करना सीखेंगे कि उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है। तो ये सारा का सारा मटेरियल आपके घर में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको कहीं से कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना सीखने के लिए ना ट्रीटमेंट के लिए। आपका जो कोचिंग है उसी मटेरियल के ऊपर होगा, इन फ्यूचर आप जो ट्रीटमेंट करेंगे उसी मटेरियल से आप करेंगे। प्लस आपके साथ कुछ रिटर्न मटेरियल भी जो है वो हिंदी में शेयर होता रहेगा, तो आपको उस मटेरियल को पढ़ते रहना है। आपके साथ जो ई बुक्स वगैरह हम शेयर करेंगे, उसके जो PDF आपके साथ शेयर करेंगे, उसके जो इमेजेस आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपको अच्छे से देखना है, उसका आपको स्टडी करना है, कैसे करना आपको बताया जाएगा। कहीं कोई डाउट आता है आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ जो आपको कुरियर से भेजी जाएगी वो होगा आपका सर्टिफिकेट। इस तरह से आपको आपका सर्टिफिकेट कुरियर से भेजा जाएगा, जिसे आप रिसीव करेंगे और इसे आप इन फ्यूचर अपने एक्सपीरियंस के तौर पे इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा सेंटर है, हमारा सेंटर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि रजिस्टर्ड है इस तरह के कोर्सेस सिखाने के लिए, आपका फ़ोटो, आपका नाम, नीचे एक्यूप्रेशर एंड कलर थेरेपी जो कि सर्टिफिकेट बताता है कि आपने हमारे सेंटर के साथ मिलकर सीखा है, और आपका लाइफ टाइम मेंबरशिप का जो नंबर है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पर मेंशन रहेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसे आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पे, अपने प्रैक्टिस के दौरान आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा सेंटर जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन के कोर्सेज को सिखाने के लिए रजिस्टर्ड है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसके ऊपर हम लोगों ने मेंशन कर रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको जो है एक वैलिड सर्टिफिकेट कुरियर से भेजा जाता है, जिसे आप कुरियर से रिसीव करेंगे और इसे आप इन फ्यूचर अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मटेरियल आपको कोर्स के दौरान इस्तेमाल करना है। आपको जो जो आपके सेशंस लिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस आपको इसके अटेंड करने हैं। आपको जो भी डाउट्स आते हैं, अपने डाउट्स
हमारे जो इंटरेक्टिव सेशंस है, हमारे जो डाउट सेशंस है, उसमें आपको आपके डाउट्स को क्लियर करना है। तो इस तरह के हमारा जो कोर्स है ये चलता रहेगा। तो चलिए अब आखिरी में बात करते हैं इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसी ग्रुप में हमारे जो गूगल मीट है या जो हमारे जूम मीटिंग है, जो हमारे प्रैक्टिकल सेशन है, उसके लिंक वहाँ शेयर होते रहेंगे, उन्हें आपको अटेंड करते जाना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप के ऊपर। आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं कि सर मुझे ये कोर्स को ज्वाइन करना है या आई वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, अपना नाम वगैरह आप लिख के मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए। और जब भी आप इस तरह से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके साथ जो हमारी आने वाली बैच रहेगी, जो हमारी फ्यूचर बैच रहेगी, जो हमारी अपकमिंग बैच रहेगी, उस बैच के डिटेल आपके साथ शेयर किए जाएंगे, उसके फ़ीस स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया जाएगा। फ़ीस पेमेंट के लिए आपके साथ हमारे जो अकाउंट डिटेल्स है या पेटीएम है, गूगल पे है, ये आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपको उसके ऊपर अपना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जो पुराने बैचेस है उसके भी लिंक हम लोग शेयर करते रहते हैं। आने वाले जो बैचेस रहेंगे उसके भी लिंक उसी ग्रुप में आते रहेंगे और आपके बैच के भी लिंक उसी ग्रुप में हम शेयर करते रहेंगे। इसमें कोचिंग लिंक होंगे, हमारे जो डाउट सेशंस है उसके लिंक उसी ग्रुप में रहेंगे। मोस्टली हमारे जो सेशंस है वो गूगल मीट और जूम मीटिंग के ऊपर होते हैं, तो आपको इन दो ऐप्स को भी अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर लेना है ताकि आप कोई भी सेशन कभी भी मिस ना करें। और आप अपने भी बैच के सेशन अटेंड कर सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक बैच जो आने वाली रहेगी उनके सेशन आप अटेंड कर सकते हैं, आप पुराने बैचेस के सेशन अटेंड कर सकते हैं, आप डाउट सेशन अटेंड कर सकते हैं। आप जितने सेशन अटेंड करें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कभी भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे डिमांड नहीं किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आप सारी चीज़ें सीखें, बार बार उसको रिपीट करें, आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बने, आप अच्छे चिकित्सक बने। इसलिए आपके जो भी डाउट्स हैं आप शेयर करिए, आपके गूगल मीट जो हमारे होते हैं, इंटरैक्टिव मीटिंग होते हैं, उसमें आप आपके डाउट्स पूछिए। उसमें भी समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली मुझे कॉल करिए, मेरे साथ बात करिए। आपको पर्सनली अगर वीडियो कॉल करना है किसी चीज़ के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके आजीवन सदस्यता के साथ, आपके लाइफ टाइम मेम्बरशिप के साथ आपको मिल जाती है। और इस तरह से एक बार आपने कोर्स कर लिया तो आप आजीवन हमारे सेंटर के साथ जुड़े रहेंगे, आजीवन आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा। मैं फिर बता देता हूँ, सिलेबस ज़रूर ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपका लर्निंग प्रोसेस, आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। आपके पास हर नया आने वाला पेशेंट, हर नया पेशेंट जिसे आप ट्रीट करोगे, हर नया डिसीज़ जो आप ट्रीट करोगे, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा। तो अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी बनाए रखना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, हर डाउट को मुझे क्लियर करना है। छोटा सा छोटा डाउट आप ज़रूर पूछें, बात करें। और अगर आपने कोर्स हमारे सेंटर से किया है तो आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसे ज़रूर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए। आपके साथ बैच के डिटेल शेयर किए जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करिए, ग्रुप में ज्वाइन करिए और सीखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कोर्स का जो कंसेप्ट है आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपके क्या डाउट्स है, आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।